नीट का भी मसला हम देख ही रहे थे और ये अब नेट का भी इस तरीके का मामला हो गया। वैसे देखिए एनटीए बहुत अच्छी संस्था है, बहुत समय से काम करती चली आ रही है, कहीं कहीं एनटीए को ध्यान देना चाहिए। नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो गलत हैं। पारदर्शिता एक लाना चाहिए जो पेपर कराने के लिए कि जितने भी पेपर हो रहे हैं सब कैंसिल हो रहे हैं। एनटीए को इस बारे में सोचना चाहिए, कुछ कैंडिडेटों को सिलेक्ट कर लिया जाए, उनको एक खास कमरा दे दिया जाए, उस कमरे में चीटिंग वीटिंग हो रहा हो वो होते रहे। देश के मंत्री को, एनटीए के अधिकारियों को छात्र हित से कोई लेना देना नहीं। शिक्षा मंत्रालय को मुझे लगता है गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर लगातार इस तरह का एग्जाम की शुचिता क्यों भंग हो रही है। अमर उजाला पर दिख रही ये खूबसूरत बिल्डिंग बीएचयू कैंपस है। 18 जून को यूजीसी ने एक परीक्षा कराई नेट, जिसका 19 जून को पेपर रद्द कर दिया गया। कारण बताया गया कि उन्हें कुछ इनपुट्स मिले कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और इसकी जाँच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन इससे इस परीक्षा को देने वाले 11 लाख छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, यही जानने के लिए हम बीएचयू पहुंचे हैं। नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक है। हम यहाँ के छात्रों से बात करेंगे और उनसे रूबरू कराएंगे आपको और बताएंगे इस परीक्षा के रद्द होने मात्र से छात्रों को कितना नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? आदित्य प्रकाश। किस सब्जेक्ट से आपने इस बार नेट एग्जाम दिया था? इकोनॉमिक्स। कहाँ सेंटर गया था आपका? आर्य महिला पीजी कॉलेज। तो आर्य महिला पीजी कॉलेज में आपको कुछ ऐसा समझ में आया कि मतलब कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हुई हो सेंटर पे? आर्य महिला पीजी कॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया, सेंटर पे तो ऐसा कुछ नजर नहीं। तो फिर कहाँ लग रहा है क्या, क्योंकि एनटीए ने कहा है कि इसकी डायरेक्ट सीबीआई जांच सौंप दी है, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ खामी हुई होगी? खामियां हुई होंगी ऐसे जगहों पे जहाँ सेंटर्स मैनेज हुए होंगे, ऐसे सुदूर क्षेत्र में सेंटर दिया गया होगा जहाँ निगरानी अच्छे से नहीं हुई होगी, या फिर जहाँ सेंटर मैनेज हो गए होंगे। क्योंकि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एनटीए अपना पूरा प्रयास कर रही है, और उस जैसे हमारे सेंटर में जिस जो पद्धति अपनाई गई एग्जाम के लिए, उस पद्धति में तो कहीं सवाल ही नहीं है कि कोई ऐसे चीटिंग कर ले या फिर पेपर लीक हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। क्योंकि जब पेपर जो इन्विजिलेटर है उनके पास फोन अलाउ नहीं है, तो जब पेपर सील से बाहर निकल रहा है तो आउट होने का उसके कोई प्रश्न ही नहीं है, कैसे आउट होगा। तो जब आप कह रहे हैं कि आपके सेंटर पे पूरी सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षा हुई, तो आपका फिर व्यक्तिगत कितना नुकसान हुआ? अगर अब चूंकि परीक्षा तो दोबारा कराई ही जानी, तो आपका कितना नुकसान हुआ? हमारा नुकसान यही समय का हुआ, और एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब हम तैयारी करते हैं और जब हम एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम हम देते हैं तो हमें लगता है कि चलो भाई अब एग्जाम हो गया, अब थोड़ा सा हम लाइट फील करेंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो ये एक ट्रॉमा जैसा होता है, ये एक शॉक जैसा होता है। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हैं, उन अप्स एंड डाउन्स को फेस करके अपने प्रिपरेशन की क्वालिटी को बनाए रखना, ये बहुत टफ काम होता है, और उसमें बार बार एग्जाम का कैंसिल हो जाना ये बहुत गलत चीज है। तो एनटीए को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एग्जाम ढंग से कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि इससे पहले नीट के एग्जाम के ऊपर भी एनडीए पर आरोप लग चुके हैं और पहले भी कई परीक्षाएं अलग अलग लीक हो चुकी हैं, पेपर लीक हो चुके हैं। एनटीए की व्यवस्था का प्रश्न जहां तक है, पता नहीं सेंटर को जो सेंटर अलॉट होते हैं उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसके पास है, उसके मैनेजमेंट को सुदृढ़ करना होगा। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है सेंटर मैनेज किए बिना बहुत मुश्किल है कि आप इस एग्जाम में इस एग्जाम को कॉम्प्रोमाइज कर पाए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, कैसे करेंगे? इन्विजिलेटर के पास फोन नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैसे लीक कर सकता है? और एक क्लास ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कमरे में किसी एक आदमी को चीट कराया जा रहा है और दूसरे आदमी को चीट नहीं कराया जा रहा है, ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। दूसरा आदमी तुरंत विरोध कर देगा, बाकी जो लोग अगर किसी एक आदमी को या दो आदमी को चीट कराया जाएगा तो बाकी के जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध कर देंगे इस बात पे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये तभी हो सकता है जब कुछ कैंडिडेटों को सेलेक्ट कर लिया जाए, उनको एक खास कमरा दे दिया जाए, उस कमरे में जो अपना चीटिंग वीटिंग हो रहा हो वो होते रहे ऐसा। इस बार के एग्जाम से आपको कितनी प्रत्याशा थी एग्जाम निकल जाने की? मेरा एग्जाम तो इस बार बहुत अच्छा गया था, फर्स्ट पेपर तो बहुत अच्छा गया था, तो इस बार तो बहुत चांस था, और जरूरी नहीं है कि अगले बार, इस बार प्रश्न जो थे हमारे हिसाब से थे, पता नहीं अगले बार का जो प्रश्न पेपर हो वो मेरे हिसाब से हो ना हो। तो ये यही ट्रॉमा का मैं बात अभी पहले कर रहा था कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं
तो हम बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जाते हैं। जब पेपर हमारे हिसाब से आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब वो पेपर कैंसिल होता है तब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आने लगता है कि अगला पेपर पता नहीं कैसा होगा और वो मेरा कैसा जाएगा। ये चीज बहुत प्रभाव डालने वाला है छात्र जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। कहाँ पे आपका नेट का सेंटर गया था और आपने किस सब्जेक्ट से एग्जाम दिया था? मैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से दिया था और मेरा सेंटर गया था जीवन दीप पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर। तो अब जो एनटीए की ओर से सूचना आई है कि पेपर रद्द कर दिया गया, उसका क्या असर पड़ रहा है आपसे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी जब करते हैं तो उसमें सिर्फ आपका पैसा नहीं जाता, उसमें आपका समय जाता है और आप और भी कई चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं जो शायद आप अपने दिनचर्या में कर सकते थे, वो आप उसको स्किप करते हैं कि नहीं अभी परीक्षाएं हैं, मैं परीक्षा पे थोड़ा फोकस कर लूं उसके बाद चीजों करूंगा। तो एक तो जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे किसी भी परीक्षा के रद्द होने में लगता है वो यही लगता है कि मैं अपना बेहतर विकास जो कर सकता था मैं अपने विकास को ही बाधित कर देता हूँ, ये सबसे बड़ा नुकसान मुझे दिखता है। ऊपर से दोबारा से आप उसी प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा परीक्षा रद्द नहीं होगा। हमारा तो परीक्षा रद्द हो गया, मेरा आने जाने का पैसा जो लगा वो अलग बात है, मैं जिस तरह के साइकोलॉजिकली ट्रॉमा से अगर गुजर रहा हूँ तो उसकी बात अलग है। अधिकारियों का क्या, उनकी तनख्वाह टाइम टू टाइम आ रही और वो आती रहेंगी, भले इसी 500 परीक्षाएं विफल हो जाए रद्द हो जाए। तो आप एनटीए को सफल परीक्षाएं कराने के लिए या अपनी गतिविधि में सुधार करने के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? एनटीए का जो डायरेक्टर है ना या चेयरमैन जो है, उनको इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो मेरी वजह से, और मैं मंत्री जी से बस यही बात करना कि भाई आप ऐसा चेयरमैन क्यों नहीं नियुक्त कर रहे हैं, और या तो आप नियुक्त कर रहे हैं तो उनकी जो डिमांड है आप उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज को थोड़ा दे। अभी नीट का परीक्षा कैंसिल हुआ है, इससे पहले सीईटी का भी परीक्षा कैंसिल हुआ था, मतलब ये संस्था बने हुए 6 साल हुआ है और 6 साल में 36 परीक्षाएं कैंसिल कराने का रिकॉर्ड इसके नाम होगा। एक भी ऐसी परीक्षा एनटीए ने नहीं करवाया है जिसपे ये आरोप न लगा हो कि नहीं इसमें कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो गलत हैं, पेपर लीक होने की खबरें हैं। जब एक दिन पहले से टेलीग्राम पे ट्विटर पे ये चीजें मूव करने लगी हैं कि पेपर लीक हो गया है, क्या इस देश का आईटी कंसर्न जो है साइबर क्राइम विभाग है वो इतना कंसर्न नहीं कर सकता? मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि इस देश के मंत्री को, एनटीए के अधिकारियों को छात्र हित से कोई लेना देना नहीं। उनका फंडा बहुत क्लियर है कि हम सिर्फ एक एग्जाम प्रोसेस करवा देते हैं, रद्द होगा होगा, दूसरी बार करवाया जाएगा। आप कुछ आपके सेंटर पे कैसी व्यवस्थाएं थी, वहां पे कुछ अनियमितता आपने पाई क्या? जैसा मैं अपने क्लासरूम की बात कर सकता हूँ कि मेरे क्लासरूम में जो एनवेलप आया वो खुला हुआ है, जब बच्चों ने उसके बारे में बात किया तो इन्वेजिलेटर का कहना है कि नहीं हम 600 बच्चों के सामने एनवेलप नहीं खोल सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट का इशू है कि जो एनवेलप में जितने पेपर आए हैं उसके अपेक्षा 2 का कुछ मिसकैलकुलेशन हो रहा है, 2 पेपर निकालना है, ये है वो है दिस एंड दैट। मैं कह रहा हूं कि आप पेपर 600 बच्चों को बारी बारी से बुला के खोलना ही नहीं था, जितने क्लासरूम थे उतने ही आप खोलते, आपको पहले से नहीं पता एनटीए क्या, ये बताना मुनासिब नहीं समझता है कि एक क्लासरूम में कितने बच्चों को बैठने का अरेंजमेंट बनाया जाए और उस हिसाब से एनवेलप बनाया जाए, ये क्या बात है कि नहीं 2। तो भाई मुझे तो शक होगा ही ना, और उस समय भी हमने ये बात कही थी कि ये 110% सियोरिटी है कि ये पेपर कैंसिल होगा। अंत में एक अंतिम प्रश्न में ये है कि आपकी एनटीए से फाइनल मांग क्या है? एनटीए को मैं एनटीए कहूं तो कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं करूंगा, तो पहले तो मैं इस देश के हुक्मरानों से ये दरख्वास्त करूंगा कि एनटीए का नाम बदल के एनपीए कर दीजिए, क्योंकि है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एजेंसी ही, और दूसरी बात यह है कि एनटीए के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लें, इस देश में सफल परीक्षाएं कराना उनकी जिम्मेदारी है, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर पेपर लीक हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी लें और इसके लिए नैतिकता के आधार पर ही कुछ कदम उठाएं, क्या उठाएंगे वो जाने लेकिन कुछ तो उठाएं,
जिससे एटलीस्ट इस देश के युवाओं में ये विश्वास बना रहे कि अगर मैं पढ़ूंगा मैं अच्छी संस्थाओं में पढ़ने के लिए एडमिशन पा सकता हूँ। पहले धांधलियां नौकरियां पाने में हो रही थी, अब आलम यह हो गया कि धांधलियां एडमिशन पाने में हो रहे हैं। तो मतलब पहले तो ये था कि चलो किसी न किसी तरह से मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो नौकरी मिल जाएगी, वहां धांधलियां शुरू हो गई तो लोगों को लगा कि नहीं यार चलो कम से कम मैं पढ़ लूंगा तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा अगर नौकरी मिले ना मिले। अब जब एडमिशन प्रोसेस में ही धांधलियां होने लगे तो बच्चों के पास पढ़ने के लिए मोटिवेशन नहीं बच जाता है, करे फिर मतलब क्या करे कि लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का विद्यार्थी करेगा क्या, फिर उसके पास जीवन में आगे बढ़ने के लिए फिर क्या उत्साह बचेगा, क्या क्यों वो सही कदम उठाएगा। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। कहाँ के छात्र हैं आप? मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पत्रकारिता विभाग का छात्र हूँ। और किस विषय में आपने नेट की परीक्षा दी है? मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। कहाँ पे सेंटर गया था आपका? ये चांदमारी में जीवन दी पब्लिक स्कूल है वाराणसी में, यहीं पे मेरा सेंटर गया था। तो अभी जब परीक्षा रद्द हो गई है तो आप दोस्तों के बीच में क्या बातचीत चल रही है परीक्षा को लेकर के? ये दोस्तों के बीच बस यही चल रहा है कि परीक्षा रद्द हो गया है, कहीं कहीं एनटीए को ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ा बात क्या है कि एक तो नीट में और उसके बाद फिर नेट में, ये जो है ना बाहर से तो दिखाया जाता है कि हम बहुत टाइट से एग्जाम ले रहे हैं, सेंटर पे बहुत ज्यादा टाइट, इस बार तो बहुत ज्यादा टाइट था, लेकिन कहीं कहीं एनटीए के कर्मचारियों के ही मिली भगत से इस तरह का हमको लगता है कि लीक होता है। इस चीजों पे ध्यान देना चाहिए एनटीए को। क्या आप लोगों को कभी ऐसा अंदेशा था कि इस तरीके की चीज नेट को में हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है? नहीं, ये तो नीट में होने के बाद तो कहीं कहीं अफवाह तो उड़ ही रहा था, और पटना से तो शायद बिहार पुलिस का पिछले रात में ही एक कोई चला हुआ था नेट से रिलेटेड, मतलब गिरोह का कुछ छपा उपा चल रहा था, तो कहीं कहीं शंका तो बन रहा था। छापा की सूचना कहाँ से मिली थी आपको? छापा का सूचना ऐसे ही दोस्तों से कि सुन रहे हैं कि नेट भी कैंसिल हो जाएगा, इस तरह का कुछ अफवाह हो गया था बिहार में, पटना वगैरह से में चल गया था, लेकिन उसके बाद फिर कराए और उसके बाद फिर वही हुआ, जैसे एग्जाम दे के आए हम लोग रात में अचानक मैसेज आया, तो कहीं कहीं डाउट तो पहले से ही था और फिर उसी चीज को क्लियर हुआ कि धांधली हो गया और कैंसिल हो गया है पेपर। तो आपका एक अटेम्प्ट बर्बाद हुआ, इससे कितना लॉस हुआ आपको? बहुत ज्यादा लॉस हुआ, क्योंकि एक तो मानसिक तौर पे तैयारी करना, फिर इतने गर्मी में आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, जैसे तैसे जाके एग्जाम देना फिर, और उसके बाद फिर कैंसिल हो जाना, ये तो बहुत बड़ा कहीं कहीं बहुत बड़ा लॉस हो जाता है ना, कि आप एग्जाम दे रहे हैं और फिर जो है कि वो एग्जाम दे के आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इतना गर्मी में, और फिर सारा सारा बस एक मिनट में आपको एक इन्फॉर्मेशन आता है कि कैंसिल हो गया है। क्या आप भी व्हाट्सएप पर चल रहे मैसेजेस की तरह ये मानते हैं कि शिक्षा मंत्रालय को एनटीए जैसी संस्था को रद्द कर देना चाहिए? हाँ, जाहिर सी इस तरह अगर कोई धांधली, क्योंकि नीट में हुआ है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षा मंत्रालय तो नीट में, हमारे शिक्षा मंत्री तो पहले बोल ही नहीं रहे थे, जो कि आप पेपर का कटिंग देखिएगा बहुत सारे न्यूज का, पटना में इनका बिहार पुलिस केस फाइल किए हुए हैं, ऑलरेडी केस फाइल किए हुए हैं बिहार पुलिस, और दूसरे तरफ जस्ट आज से एक दो दिन पहले तक शिक्षा मंत्रालय जो है कि शिक्षा मंत्री वक्तव्य दे रहे थे कि नहीं धांधली हुआ ही नहीं है। एक तरफ है कि आप केस कर रहे हैं, आप गिरोह पकड़ रहे हैं, और दूसरे तरफ आप मान रहे हैं कि धांधली हुआ ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा विडंबना वाली बात है। तो कहीं कहीं इस चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए, और कहीं ये धांधली जो हो रहा है निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि ये अंदर से हो रहा है, बाहर से तो जिस तरह सेंटर पे मतलब कि रखा जाता है टाइट सुरक्षा, आप एक सिक्का भी लेके नहीं जा सकते हैं, कल हम सिक्का लेके गए थे, सिक्का भी आपका रख दिया जा रहा है, ना पर्स लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं, पेन तक नहीं लेके जा रहे हैं, और उसके बाद जो है कि पेपर लीक हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये अंदर से मिली भगत है, और बड़े बड़े लोगों का इसमें खेल है, चाहे वो कोचिंग सेंटर वाले का हो या फिर बड़े बड़े माफियाओं का हो, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बड़े बड़े लोगों का, जिस तरह के नीट में हो रहा है फिर नेट में हो रहा है और आए दिन हर किसी में हो रहा है, कोई भी एग्जाम हो, आप यूपीपीसीएस का आरओ ले लीजिए उसमें हुआ है, बिहार पुलिस ले लीजिए उसमें होता है, बिहार का बीपीएससी जैसे संस्था टीचर की एग्जाम कराती उसमें होता है, 200 गिरोह पकड़ाया है, और आज तक कोई जांच का कुछ नहीं, बस जांच होता है, एक एजेंसी बैठेगी, जांच होगी, फिर क्या होता है, लिपापोती होके कहानी खत्म हो जाता है। तो अगर जब दोबारा परीक्षाएं होंगी उसके लिए आप सरकार से किन किन सुविधाओं की मांग करते हैं?
नहीं, सबसे पहले तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप दोबारा कराएं तो कोई अच्छे एजेंसी से कराएं, और इस पे जो है ना बहुत अच्छी तरीके से आप जांच पड़ताल करके कराएं कि कहां से ये लीक हो रहा है, इन चीजों को खत्म करें। क्या नाम है आपका? मैं आदित्य कुमार गोंड, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग का छात्र हूँ। मैं अभी एमए इन मास कम्युनिकेशन में फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो इस बार आपने पहली बार नेट का एग्जाम दिया पत्रकारिता से? हाँ, मैं इस बार पहली बार नेट का पत्रकारिता विभाग पत्रकारिता से परीक्षा दिया हूँ। और सेंटर कहाँ पे गया था आपका? मेरा सेंटर लखनऊ गया था, लगभग 4 बाग से 20 किलोमीटर दूर था। इतना दूर क्यों गया? इतना दूर देखिए, हमने तो प्रिफरेंस डाला था अपना बनारस ही, जबकि मेरा सेकंड प्रिफरेंस था लखनऊ, लेकिन मेरा फर्स्ट प्रिफरेंस मुझको नहीं मिला पेपर देने के लिए, तो मैं सेकंड प्रिफरेंस जो था डाला था वो मिला हमको लखनऊ। तो फिर वहाँ आप पेपर दे के आए, ये सूचना कब मिली कि एग्जाम कैंसिल हो गया? जब मैं पेपर देकर निकला तो इसका हमें कतई उम्मीद नहीं था कि इतना पेपर अच्छा जाने के बाद हमारा पेपर कैंसिल हो जाएगा। मैं जब वहां से शाम को 6 बजे कोई गाड़ी नहीं थी, 6 बजे तो हम छूटे ही, तो 12-1 बजे कोई गाड़ी नहीं थी, तो हम एक दिन वहीं पर रुक गए। उसके बाद से सुबह जब हम वहां से ट्रेन पकड़ के जब निकले तो शाम को एक मैसेज आता है कि नेट का पेपर कैंसिल हो गया। देर रात में मैसेज आया, देर रात में सोशल मीडिया पे आया, सोशल मीडिया पर आया जब हम ट्रेन में ही थे। तो फिर अब बहुत दुख हुआ इस बात को सुनकर कि हमारा पेपर कैंसिल हुआ। अभी घर पर नहीं पहुंचे थे अपना हॉस्टल की। आने जाने का लगभग आपका कितना खर्चा हुआ? आने जाने में लगभग हमारा 700-800 रुपया खर्चा हुआ। फीस कितनी फिल की थी फॉर्म की? मैं SC ST से आता हूँ तो इसलिए मेरा फीस 600 लगा था, और उसमें मतलब लगभग 500-600 जाना, 600 आना, 1200 और 1800 2000 रुपए के 2000 रुपए का हो गया, जो कि पानी में चला गया। बिल्कुल, ये पानी में ही चला गया है मेरा। तो अब एग्जाम निकलने की उम्मीद थी वो भी धराशायी हो गई और ये नुकसान हो गया, तो ऐसे में किसका दोष सर्वप्रथम आपको नजर आता है? दोष तो सर्वप्रथम इस सिस्टम को है, जो परीक्षा एजेंसी जो परीक्षा करा रही है नेट, इसको तो पहले सही से पारदर्शिता एक लाना चाहिए जो पेपर कराने के लिए, क्योंकि जो धांधली जो इनको देखने को मिला है ना इसमें साइबर क्राइम, तो उसी के आधार पर इन लोगों ने अपना रद्द कर दिया पेपर। तो इनको उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए, जो इसमें हम बच्चे पिस रहे हैं ना, छात्र पिस रहे हैं। एक तो गरीब परिवार से हम लोग आते हैं, ऊपर से फैमिली हमको बहुत मुश्किल से पैसा भेजती है कि जाओ पेपर देने, फॉर्म भरो। एक तो फॉर्म का आप इतना पैसा हाई कर दिए हैं कि उसको पे करना ही तो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कैसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं और जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर जब पेपर देने ना, तो एक टेंशन बना रहता है कि हम कहाँ वहाँ पर रुकेंगे। और ट्रेनें आजकल इतना भीड़ चल रही है, रुलू चल रहा है, लोग मर जा रहे हैं हीट वेव के कारण। इस समय एक छात्र की जिंदगी के लिए बहुत कठिन परिश्रम है कि ट्रेन से सफर करके जाना, वही जनरल बोगी में ट्रेनें पूरे फुल जा रही हैं, आप उसमें जाएंगे पेपर देंगे कि क्या करेंगे उसका कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आप एक मेंटली रूप से तैयार होकर जाते हैं पेपर देने। आपका जो ट्रेन का जो सफर होता है ना, उसमें आपका पूरा शरीर का कचरा निकला पड़ा रहता है, फिर आप जब पहुंचते हैं अपने सेंटर पर परीक्षा देने तो आप पूरे थक गए होते हैं, वो अपना होशाहवास का मतलब खो चुके होते हैं कि हमको पेपर भी देना है। तो वहां पर फिर भी विद्यार्थी अपने अंदर हिम्मत लाता है, जाकर अंदर पेपर देता है। उसके बाद जब पेपर देकर वापस जब आता है तो और मतलब अपना जो हिम्मत था वो भी और धराशायी हो जाता है, क्योंकि जब पता चलता है कि हमारा पेपर कैंसिल हो गया। तो ऐसे में विद्यार्थियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। नेट जो NTA जो एजेंसी है जो पेपर कराई है, इसको इसमें पारदर्शिता बरतना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम धीरज मौर्य है, मैं MA मास कम्युनिकेशन BSU का छात्र हूँ। तो आपने इस बार नेट की परीक्षा दी? जी बिल्कुल, मैंने इस बार नेट की परीक्षा दी थी, और हमारा सेंटर जो है वो जीवनदीप पब्लिक स्कूल पे गया था। तो जब आपको ये खबर मिली कि हमारा आपने जो परीक्षा दी है रद्द हो गई है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जी, जब मैं पेपर देने गया तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरे पेपर्स काफी अच्छे गए थे, मैंने काफी अच्छा अटेम्प्ट किया था। मैंने जब मैं पेपर दे के आया, मैंने उसको मिलाया तो मेरे 225 नंबर आ रहे थे उस पेपर में। तो उस मतलब एक तरह यह था कि मैंने इतनी मेहनत की थी लाइब्रेरी वगैरह में रात रात भर पढ़ के पूरा एग्जाम देना, लेकिन जैसे ये नोटिस आया तो ऐसा लगा कि अब इस देश में मतलब यही चल रहा है कि जितने भी पेपर हो रहे हैं सब कैंसिल हो रहे हैं। NTA को इस बारे में सोचना चाहिए कि कैसे, क्यों नीट का पेपर कैंसिल हो रहा है, क्यों नेट का पेपर कैंसिल हो रहा है। निश्चित तौर पर इसमें जो धांधली हो रही है इसके पीछे NTA को सोचने की चीज है। और आपको अपने सेंटर पे कुछ ऐसा नजर आया हो कि कोई इस प्रकार की मतलब दिक्कत वहां पे हुई हो? जी बिल्कुल, देखिए जब सेंटर पे हम लोग एग्जाम देने गए, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे मेरा
सेंटर था रूम नंबर 23, उसमें जो हमारा पेपर आया तो ऑलरेडी वो पेपर खुला हुआ था। उसमें मैं हमारे रूम के एक दो छात्रों ने इस पे विरोध किया कि आपने हमारे सामने पेपर नहीं खोला, पेपर खुला हुआ क्यों आया था। तो उन्होंने बोला कि इसमें जो नंबर होता उसमें सीक्वेंस में पेपर कुछ कमी थी, तो इसकी वजह से किसी और जगह पे साइन करा के पेपर खोल के लाया गया। तो इतने तो ये तो मतलब निश्चित तौर पर धांधली वहीं प्रतीत हो गई कि वहीं पे हुआ है। तो हम लोगों ने बोला, तो उन्होंने बोला कि आप एग्जाम दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। तो अब जब पेपर कैंसिल हो गया है तो आपका लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ? जी देखिए, अब बात पैसे की नहीं होती है, बात होती है कि हार्ड वर्क का। हमने इतना हार्ड वर्क किया था उसके लिए। मैं अपने दोस्तों के साथ पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू लाइब्रेरी में 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा था। हालांकि पैसे भी तो नुकसान हुए, यहाँ से आने जाने का टोटल मैंने वैसे तो जोड़ा नहीं है, पैसे की बात नहीं है, लेकिन जो हार्ड वर्क, जो मेहनत, इसमें नुकसान हुई है। मैंने बोला था इस बार अपने मम्मी से, अपने घर वालों से बोला था कि इस बार मेरा जीआर पक्का हो जाएगा, क्योंकि हो भी गया था। लेकिन अब चीजें ये ऐसी हो गई कि मैं क्या बताऊं, मैं घर वालों को क्या बताऊंगा, वो लोग बोलेंगे कि तुम्हारा तो जीआर हो रहा था, फिर क्या हो गया। तो क्या आप भी व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे मैसेज चल रहे हैं जिसपे एनटीए को ये बोला जा रहा है कि एनटीए को इस मतलब परीक्षा से अलग कर देना चाहिए, आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या एनटी मतलब प्रश्न ये है कि क्या एनटीए को अपने अंदर सुधार करना चाहिए या कोई नई संस्था बनाई जानी चाहिए? वैसे देखिए, एनटीए बहुत अच्छी संस्था है, बहुत समय से काम करती चली आ रही है, लेकिन इधर बीच कुछ पिछले 1-2 सालों में ऐसा देखने को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर एनटीए को इसमें सुधार करना चाहिए। परसों नेट की परीक्षा हुई, नेट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, और कल रात को देर रात खबर आई कि इस परीक्षा को रद्द किया जा रहा है, क्योंकि इसमें परीक्षा की शुद्धता भंग होने की आशंका लगी शिक्षा मंत्रालय को, और इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई। मेरी ज्ञात जानकारी में मैंने लगभग 10-11 बार नेट का एग्जाम दिया है, कई दफे मतलब 7-8 दफे में नेट और 2 दफे जीआरएफ क्वालिफाई किया हूँ, तो इस परीक्षा का काफी सारा अनुभव है मेरे पास। और दिसंबर 2018 में यह परीक्षा एनटीए आयोजित करा, दिसंबर 2018 से आयोजित कराता आ रहा है, और तब से यह परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही थी। इस बार यह परीक्षा एनटीए द्वारा ही आयोजित की गई थी, परंतु इस बार ऑफलाइन मोड में, मतलब दिसंबर जून 2018 के बाद से इस बार पहली बार परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। सबसे पहली बात तो इसके कोई कारण नहीं समझ में आता था कि जब ऑनलाइन व्यवस्था ठीक चल रही थी तो वापस से आप ऑफलाइन व्यवस्था की तरफ क्यों लौटे। और दूसरी बड़ी बात कि इस बार जो विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो पीएचडी एडमिशन होगा उसकी जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के माध्यम से ही पूरी की जाएगी, नेट के माध्यम से ही पूरी की जाएगी। पूर्व में भी पीएचडी एडमिशन में नेट की योग्यता तो मांगी ही जाती थी, लेकिन विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर भी परीक्षा का आयोजन कराते थे, और उसमें सिर्फ नेट की क्वालिफिकेशन के आधार पे आप एडमिशन ले सकते थे विश्वविद्यालय में पीएचडी कोर्स के लिए। लेकिन इस दफे क्या है कि इस दफे जो नेट का एग्जाम हुआ था उसके जो आपके मार्क्स आते उसके वेटेज भी जुड़ने वाले थे, तो कहीं ना कहीं ये जो परीक्षा में धांधली हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, वो एक बड़े मतलब अव्यवस्था की तरफ इशारा करता है कि जिस वर्ष देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया कि पीएचडी एडमिशन में नेट के मेरिट की भी काउंटिंग होगी, वेटेज मिलेगा उसको, लगभग 70% नेट के स्कोर का वेटेज देने की जानकारी आ रही थी, और 30% इंटरव्यू थे, तो ऐसे में ये एक बड़ा संकट है। और सारे विद्यार्थी जो इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, मतलब ऐसी गर्मी में जो दूर दूर के लोकेशन से, सुदूर क्षेत्रों से बच्चे एग्जाम देने गए थे, और अभी उनके पास एक संकट ये भी है कि वो जो जब कल परीक्षा भंग होने की सूचना आई तो उनका ये भी कहना है कि जैसे हम अभी विश्वविद्यालयों में थे, हॉस्टल्स में थे, या अपने अपने लोकेशंस पे थे, जो हमने अपना लोकेशन डाल रखा था कि हम यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, अब अगर दोबारा से एग्जाम होता है तो क्या हमें लोकेशन चेंज करने की सुविधा होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो बच्चे हॉस्टल में रुके थे सिर्फ एग्जाम देने भर के लिए, तो उनको अब इससे ज्यादा समय तक तो हॉस्टल से नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि हॉस्टल को भी खाली करने की लिमिट होती है। तो ऐसे बहुत सारे संकट आने वाले हैं, और इस पे शिक्षा मंत्रालय को मुझे लगता है गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर लगातार इस तरह का एग्जामों की शुचिता क्यों भंग हो रही है। नीट का भी मसला हम देख ही रहे थे, और ये अब नेट का भी इस तरीके का मामला हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।